Hi guys, good morning and welcome to my new vlog. आज का हमारा vlog का topic है gardening. तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मैं कौन-कौन से tools, equipments और safety measures को follow करता हूँ इस garden को maintain करने के लिए. इससे पहले कि मैं start करूँ, मैं आपको पहले दिखाऊँगा कि मेरे garden की conditions क्या है. अब आप ये देखिए, मेरे garden में ये जितनी भी grass हैं, ये काफी uneven हो चुकी हैं, ऊपर नीचे हो चुकी हैं. और अब यहाँ आप देखेंगे इन पत्थरों के बीच में से जो ये जो निकल रही हैं, ये वीड होती हैं. और इनको भी हमें या तो स्प्रे करके वीड किलर से ख़त्म करना होता है, या फिर उसको पुल करके फेंक देना होता है. और अगर आप देखिए, बिल्कुल ही शेपलेस हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी सा हो रहा है, मैसी सा दिख रहा है. वहाँ देखें आप, घास जिस तरह से बहुत अनटाइडी लुक दे रही है. और ये पूरा, ये देखो, ये हमारा वेजी पैच एरिया है जहाँ पर हम वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा वीट से भर चुका है. तो अब हम इसको बहुत ही अच्छे से ट्रिमिंग करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे, कटिंग करेंगे. और इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें कुछ स्पेशल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, गार्डनिंग टूल्स. अब आप ये देखिए, ये लाइम एंड लेमन दोनों ही बहुत ही शेपलेस हो चुके हैं, इनको भी एक शेप देना होगा. तो मैं ये सारे काम आज के अपने इस ब्लॉग में करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि जब ये पूरा काम ख़त्म हो जाएगा तो ये कितना खूबसूरत सा गार्डन या लॉन बन के तैयार होगा. अब आप यहाँ देखिए, ये अगेव है, ये भी काफ़ी मैसी दिख रहा है. ये एलोवेरा है, ये भी काफ़ी मैसी दिख रहा है. अब आप यहाँ देखें, ये सारा जो मेरा पीछे का बैकयार्ड है, ये इसको भी हम एक शेप देंगे. और उसके बाद में जब ये पूरी तरह से गार्डन तैयार हो जाएगा, यू विल लव टू सी द रिज़ल्ट. और हमारी इस जर्नी के साथ अब आप जुड़ जाइए और एंजॉय कीजिए. थैंक यू. ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए. स्टार्टिंग फ्रॉम हेड, आपके पास में एक बेसबॉल कैप हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब आप गार्डनिंग करते हैं तो कई बार धूल मिट्टी उछल के आपके बालों में जा सकती हैं. दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ग्लासेस. आई प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एक सनीस पहननी है, ये आपकी आँखों में कुछ भी धूल मिट्टी जाने से प्रोटेक्ट करेगा. दूसरा, तीसरी चीज़ जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एक अच्छे ग्लव्स. दोनों हाथों में आप अच्छे ग्लव्स पहन लें ताकि आपके हाथ में किसी भी तरह का कोई कट या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए. और उसके बाद चौथी चीज़ जो मैं प्रेफर करता हूँ पहनना, वो है नी पैड्स. जब ये नी पैड्स आप पहनते हैं तो आपको झुकने में या झुक के कुछ करने में या नीज को आपको बेंड करके जब फ्लोर पे कुछ करना होता है तो कोई तकलीफ़ नहीं आती. ये जो टूल्स मेरे गार्डनिंग में इस्तेमाल होते हैं, मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से. ये जो टूल है जो सामने आप देख रहे हैं, ये है ट्रिमर. इसका कैसे यूज़ होता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा. ये है एजर, ये है पोल सो. इसका क्या यूज़ है, और पोल सो के साथ में एक अटैचमेंट आप देख रहे हैं, ये उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए काम आता है. और ये चीज़ आप अटैच कर सकते हैं इस चीज़ से. तो ये जो अटैचमेंट है इसका, मल्टी टूल है, इसको आप किसी भी चीज़, किसी भी पोल से या किसी भी नए टूल से अटैच कर सकते हैं. और हेजर है, जो कि हम आपको, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि कुछ दीवार पे हमारे पौधे बने हुए हैं, उगे हुए हैं, उसको हम कैसे शेप दे सकते हैं. और ये एक और ट्रिमर है जो कि हम इस मल्टी टूल के साथ अटैच कर सकते हैं. सारा काम होने के बाद में इससे ब्लो कर सकते हैं. ये टूल जो है लास्ट में इस्तेमाल होता है जब हम सारे घास को या फूल पत्तों को जो ज़मीन पर या गार्डन में फैल जाते हैं, उसको हम इस क्लास्प के साथ उठाते हैं और उसको हम बिन कर देते हैं. और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है ये मोवर. मोवर का काम होता है ग्रास की कटिंग करना. इसमें एक ब्लेड लगी हुई है, इस ब्लेड को आप बीच बीच में शार्प कर सकते हैं. ये इस बोल्ट से आप खोल के बाहर निकाल सकते हैं और इसको एक अच्छी सी शार्पनिंग दे सकते हैं. और वो भी टूल मेरे पास में है. और ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है, ये मूविंग टूल है. और इस मूविंग को करने के लिए हमें इसको ओपन करना होगा.
और अब ये मैं आपको बता दूं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे के सारे जो टूल्स हैं ये टूल्स यूज़ होते हैं बैटरी से। इसके लिए मुझे कोई भी इलेक्ट्रिकल कॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे किसी फ्यूल की ज़रूरत है। अलग अलग तरह के टूल्स आते हैं जो फ्यूल बेस्ड होते हैं या इलेक्ट्रिकल कॉर्ड बेस्ड होते हैं, बट ये सबसे मॉडर्न लाइन है। इसके अंदर हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। जो बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं वो है मेरे पास में ईगो। अब ये देखिए, ये सारी बैटरीज मैंने ऑलरेडी इसमें चार्ज हो रही है। मेरे पास में एक 56 वोल्ट का 5 एम्पियर का बड़ा बैटरी है और 56 वोल्ट के दो छोटे बैटरीज भी हैं। तो ये सारी बैटरीज हर एक टूल्स में इस्तेमाल होती हैं। इस कवर को खोलूंगा और इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा, दैट्स इट, और इसको वापस से लॉक कर दिया। ये कलेक्टिंग बैग है, इसके अंदर सारे जो ग्रास आप कटिंग करते हैं वो पीछे से इस बैग के अंदर कलेक्ट होता चला जाता है। इस लिड को खोलना है और यहाँ पर इसको अटैच कर देना है, दैट्स इट, एंड दिस इज़ रेडी टू गो। तो गाइज, मैं अभी लेकर आया हूँ अपने साथ में ये एजर। इस एजर को यूज़ करने वाला हूँ इसको एक शेप देने के लिए। ये टूल हम इस्तेमाल करेंगे जो एकदम कोने से नहीं काट पाता है, तो ये रहा। ये मल्टी टूल है, इस टूल के अटैचमेंट को भी हम उसी तरह से जोड़ेंगे। देखिए, इस एरो को हम इस एरो से जोड़ देंगे और फिर इसको हम टाइट कर देंगे। कंटेनर के अंदर ऑयल होना चाहिए, देख रहे हैं आप, इसमें ऑयल होना ज़रूरी है। ओके, तो गाइज मैं आपको अपना फ्रंट का छोटा सा एक लॉन दिखाता हूँ। ये बफेलो ग्रास है, ये काफ़ी थिक होती है और इट फील्स लाइक ए बेड। देखिए, अगर इसमें पैर रखता हूँ मैं तो ये काफ़ी अंदर तक जाती है। तो अब हमारा ये बैड बॉय रेडी है मूविंग करने के लिए और इसमें हमने बैटरी डाल दिया है। लेट्स बिगिन मूविंग। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप गार्डनिंग करते हैं तो मूविंग से पहले चेक कर लें कि कोई स्टोन्स या क्लॉथ या ऐसी कोई चीज़ ना हो जो कि इसके ब्लेड में फंस सके, या फंसने के बाद कोई पत्थर उछल जाए और कांच में लगे। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि मैंने वहाँ पर पूरी मोइंग कर दी है, तो मोइंग के बाद में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा लॉन। अब देख सकते हैं कुछ घास हैं जो कि लंबी लंबी हैं। देखिए, यहाँ पर मेरी मोइंग मशीन नहीं जा सकती थी, जहाँ जहाँ मोवर नहीं जा सकता वहाँ पर हमें ट्रिमर यूज़ करना है और उसको एक शेप देना है। और ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में हम एजिंग करेंगे ताकि एक लाइन बन जाएगी यहाँ पर। तो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। और ये दोनों टूल्स यूज़ करते ही ऑलमोस्ट हमारा गार्डनिंग कंप्लीट हो चुका है। देखिए, ये एरिया सारा एकदम घास से बहुत अनटाइडी हो गया, इसको भी हम कर देते हैं।
Alright guys, एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया ये रीना के लिए और ये मेरे लिए सम रिलैक्सेशन टेक अ ब्रेक. हमारा ब्रेक हो चुका है कंप्लीट और अब हमें अपना बाकी का काम कंप्लीट करना है गार्डनिंग के अंदर. अब बचा है हमारे पास में एजिंग और ब्लोइंग. ये दोनों करने के बाद हमारा आज का गार्डनिंग का काम खत्म होगा. तो हम शुरू करते हैं अब. अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं वो है एजा और उसके अंदर ये एक ब्लेड है जो कि एजिंग करने में हमारे लिए हेल्प करेगी. हम इस एजर को हम यहाँ रखेंगे और इसके बाद हम इसको ऑन करेंगे. देखिए हम करेंगे ब्लो. तीन महीने में एक बार अगर आप डालते हैं तो ग्रास बहुत अच्छे से ग्रीन और बहुत बढ़िया से उसको सॉइल मिल जाता है. इंफॉर्मेशन दी है टूल्स के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में. होप यू एंजॉयड द गार्डनिंग विथ मी. और अगर आपको पसंद आया है मेरा ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो तक मेरा इंतज़ार करें. टिल देन सी यू बाय.